पिछले दिनों विपक्ष के बड़े चेहरे शरद पवार की तरफ से विपक्षी पार्टियों की एक दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के बिना विपक्ष तीसरा मोर्चा खड़े करने की तैयारियां कर रहा है। इसी बीच बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में संगठन है और देश की 200 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को वह सीधी टक्कर दे सकती है। ऐसे में एकजुट विपक्षी गठबंधन के लिए कांग्रेस को आधार बनना ही होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां पर ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय पार्टियों को ही रखना होगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए कि कैसे गठबंधन को एकजुट रखना होगा। कांग्रेस के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते। हमें साथ मिलकर बैठकर यह तय करना होगा किसकी क्या जिम्मेदारी है। देश के संविधान संस्थान को बचाने के लिए त्याग करना पड़ता है तो करना चाहिए। जुड़े रहिए SBI News से। धन्यवाद।